तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ऐसा करते हैं, खूब अच्छे होंगे। तो हे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, जब हमको बेबी था तो हम बेबी का फेस जो है सोशल मीडिया पर रिव्यू नहीं की थी। तो आज जो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा बाबू का आज फेस रिव्यू है। तो आज हम करेंगे अपना बाबू का सोशल मीडिया पर फेस रिव्यू। तो आप लोग जो है कमेंट में इनको ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। और हाँ, जैसे कि दीदी भैया लोग कमेंट करते हैं कि आपको कितने बेबी है, तो देखिए हमको एक ही बेबी है जो इस साल हुई है। और हाँ, आप लोगों को जब हुई थी तब मैंने इनका फेस जो है दिखाए नहीं थे, बताए नहीं थे, लेकिन थे तो सबको पता थे। तो देखिए उस वक्त हमारा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था और उस वक्त मुझे कुछ मजबूरी भी थी, तो इसलिए शायद नहीं दिखा पाई। लेकिन हमारा बाबू जो है 6 मंथ का हो चुका है। और हाँ, आज जो है हम बाबू दिखाएंगे और हर ब्लॉग में आज के बाद से आप लोगों को दिखेंगे। अभी तो ये 6 मंथ का हो चुका है या हो गई है, लेकिन जब ये हुई थी तो जन्म का भी फोटो है, तो वो आप लोगों को मैं लास्ट में मतलब लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, देखिए अभी 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लीज़ हमारे बाबू का, हमारे बच्चे को कमेंट के द्वारा प्लीज़ आशीर्वाद देना आप लोग। और हाँ, आज के बाद ये हमेशा हर एक वीडियो में रहेगा। और हाँ, हम एक दो वीडियो में मैथिली, अपने बिहारी मैथिली भाषा को मतलब यूज किए, तो बहुत सारे फैन जो है कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, वो हमारी मैथिली भाषा है और बहुत ही मतलब फैमिली अखन अपना मौसी के गोद में य खिलाइ बाबू। और तो जना कि बहुत सारा लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि ये कौन सा भाषा है, प्लीज आप लोग जो है भी कपड़ा चेंज करे छे बाबू के कि यहाँ की सीसी खा दल के पेंट गीला कर लल के। बहुत सारा फैमिली जो है कमेंट कर रहे हैं ये कौन सा भाषा आप यूज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, दरअसल मैं क्या है कि मैं बिहार से हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। तो ये जो मैथिली भाषा है, ये मेरा खुद का अपना मैथिली मतलब भाषा है, बिहार का ये भाषा है, तो ये मैं यूज कर रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे फैमिली जो है हमारे बिहार से भी है, तो उनको मतलब ये पूरा भाषा जो है समझ में आती है, तो इसलिए हम मतलब इनसे बात करते रहते हैं। और हाँ, और जिनको समझ में नहीं आता है तो उससे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जैसे कि